सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसे कि भारतीय रेलवे ने लगभग 1 लाख के आसपास असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन, साथ में ही ग्रुप डी की विभिन्न पोस्टों के लिए भर्ती निकाली थी और उसमें जो अधिकतम एज थी दोस्तों उसको लेकर काफी सारा आंदोलन हुआ था और अब रेलवे बोर्ड ने आपके सभी उसे सभी पोस्टों के लिए जो अधिकतम एज लिमिट है उसको बढ़ा दिया है और इसके लिए कल 19 फरवरी 2018 को रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी कर दिया जो कि आपके सामने। तो यदि आपका कोई दोस्त या फिर आपके परिवार में से कोई इसके लिए तैयारी कर रहा हो तो उनके लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि अब अधिकतम जो एज लिमिट है वो बढ़ गई है और अब जो नई एज लिमिट है वो इस प्रकार रहेगी। तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन उनके लिए अधिकतम जो एज आयु है वो 30 साल से 35 साल रहेगी, यानी जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 28 साल थी पहले, उसको अब 30 साल कर दिया है। ओबीसी के लिए 31 थी, उसको 33 कर दिया है। एससी के लिए 33, एससी और एसटी के लिए पहले 33 थी, अब उसको बढ़ाकर 35 कर दिया टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। उसके बाद में जो ग्रुप डी की पोस्ट थी उनके लिए पहले था ये जनरल के लिए 31 साल, उसको बढ़ाकर कर दिया 33 साल। ओबीसी के लिए 34 था, उसको बढ़ाकर 36 साल कर दिया है और एससी एसटी के लिए पहले ये था 36 साल, इसको बढ़ाकर अब कर दिया यहाँ पे इन्होंने 38 साल। तो 2 साल की और यहाँ पे इन्होंने इसमें बढ़ोतरी कर दी है। तो और सारे काफ़ी सारे जो लोग हैं जो इसे एज को क्रॉस कर गए थे उनको अब दोबारा से सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसके बारे में मालूम चल सके और वो भी इस सुविधा का या यह जो एज लिमिट बढ़ाई है उसका लाभ उठा सकें। आपके दोस्तों के साथ में तो ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उनके पास में भी ये खबर पहुँच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।